सब हम लोग बचाते हैं सांप को, सांप आर्या बड़े मित्र हैं, ये 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलो और दोस्तों ये जो कुछ भी खाया हुआ था आप देख सकते हैं, ये दोस्तों उबल रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों चूहा खाया हुआ था, हमने आपसे पहले बताया दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सर्प मित्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का रेस्क्यू कॉल दोस्तों मुझे करचोलिया ग्राम सभा से मिला हुआ है और यहाँ पर दोस्तों एक ढेरी रखा हुआ है, उसी ढेरी के नीचे कोई जहरीला सांप देखा गया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। जगह पर हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पर, अब इन्हीं से पूछा जी पहले अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? अच्छा 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 अच्छा, सांप कितना टाइम हो गया देखे हुए? अच्छा 4 बजे सुबह से दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो जहाँ पर सांप दिखा देखा गया है चलकर हमें बताएं, चलिए बताइए। तो चलिए दोस्तों चलकर देखते हैं कौन सा सांप है वो, और आप देख सकते हैं ये ग्राम सभा के लोग हैं, सभी लोग दोस्तों आए हुए हैं सांप को देखने के लिए और एक बेजुबान को मारा नहीं बचा लिया, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। चलिए अब चलकर देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को निकाल कर दिखाते हैं कौन सा सांप है वो। ये आप देख सकते हैं दोस्तों यही वो घर है और यहाँ पर दोस्तों जो डेयरी रखा हुआ है छोटा सा डेयरी है दोस्तों, ये सीढ़ी है दोस्तों, ये सीढ़ी के जस्ट नीचे रखा हुआ है, इनका कहना है कि इसी के नीचे वो छिपा हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए इसको हम निकालते हैं और देखते हैं इसमें कुछ भरा है, मैं थोड़ा पकड़ लीजिए हटवा लीजिए, तो बोरा तन के लाओ, दो चार बोरा लाओ फटाफट, गंगा निकलवा लीजिए, थोड़े निकाल ले, थोड़े कुछ निकाल, वही निकल। अरे आप डेरिया मत, उसके अंदर थोड़ी जाएगा वो, नहीं वहां जाओ और करो लाओ, देख लो बोरा, देख लो देख लो बहुत खाना है, देख नीचे बा बैठा, बस उठा के ना उन्हें जो बैठना है बा, निकाल लो। और ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गेहूं निकाला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा प्राण बचता है, दोस्तों इसमें गेहूँ रखा हुआ है, इसको निकालेंगे फिर उसके बाद इस डेयरी को हटाएंगे, फिर सांप को निकाल कर दिखाते हैं। तो आप लोग से उम्मीद है दोस्तों वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। उसी बिल में गया लगता है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक बिल हमें उसको दिखाई पड़ गया है, हमें लग रहा है दोस्तों किसी बिल में वो जा चुका है। कितना डीजल मारे एक फड़ुआ मंगाओ भैया, फड़ुआ और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 2-3 बिल हमें दोस्तों दिखाई पड़ा है। हिरन बिलिया के वहाँ हुए, और ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने पानी डलवाया है, उम्मीद लग रहा है दोस्तों कि इसी बिल के अंदर वो सांप बैठा हुआ है। कहाँ तू? ये हटाओ। हाँ देखो निकला, देखो निकला, इधर खोदो उधर जाएगा, भाग भाग, पूछिए पकड़ लो, पूछिए देखो पूछिए दिख रहा है। और ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सांप हमें दोस्तों दिख चुका है, और दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है ये। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसा फंड दोस्तों मार रहा है, काफी दोस्तों डेंजर है। चलो आ गया बाहर आ गया। और दोस्तों ये चूहा खाया हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना, नहीं उगुल देगा अभी वो, भोजन की तो बेचारे बहुत कष्ट है, तो भोजन पाया है, कोबरा है कोबरा। और दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है, आप देख सकते हैं छोटा है बेबी कोबरा, लेकिन दोस्तों है काफी डेंजर, ये देख सकते हैं आप लोग।
इसके अंदर दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी लोग दोस्तों यहाँ पर जुटे हुए ग्राम सभा के लोग हैं। और ये दोस्तों चूहा खाने के चक्कर में हमारे आपके घरों में आते हैं, क्योंकि रात अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और रात में दोस्तों ये अक्सर निकलते हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर। जहाँ डिस्टर्ब मत करो, कुछ खाया पिया अभी उगल देगा ये। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं, एक चूहा इसने खा लिया है, देख सकते हैं। अरे अगर दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटा दाल दक्षिणा दियो कुछ तो चलिए दोस्तों इसको कर देते हैं पैक। अगर आप लोग YouTube चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। और ऐसा सांप दोस्तों हमारे यहाँ ज़्यादातर यही सांप मिलता है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ फिटार घुंगन नाग कई नामों से इसको जाना जाता है। साइंटिस्ट दोस्तों इसको ना जाना जा के नाम से बोलता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे। और ये ग्राम सभा है दोस्तों, काफ़ी बड़ा है ये। सब लोग दोस्तों आप देख सकते हैं, ग्राम सभा के लोग सभी लोग दोस्तों आए हुए हैं। अच्छा एक बार बता दीजिए, अगर किसी को सांप काटेगा तो आप लोग क्या करेंगे? हमें नहीं बुलाएंगे, मतलब सांप काटेगा तो करेंगे क्या? भाई हॉस्पिटल में जाएंगे कि किसी तांत्रिक के पास जाएंगे? तो ऐसा ही करना है, अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आपको अपने जिला अस्पताल जाना है। किसी झाड़ फूक तंत्र विद्या के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। नहीं नहीं, आजकल के अपने लोगों में अभी भी अंधविश्वास है ना, गांव में ज्यादातर गांव में है सांप काटा, चलो तांत्रिक बाबा जिंदाबाद। भाव बचाई था हम सब, हम लोग बचाते हैं सांप को। सांप पर्यावरण मित्र हैं, ये 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलो और दोस्तों ये जो कुछ भी खाया हुआ था आप देख सकते हैं, ये दोस्तों उबल रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों चूहा खाया हुआ था। हमने आपसे पहले बताया दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको बना समय इसको कर देते हैं पैक। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसको पैक कर दिया गया है। और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी जंतु को बचाते हुए और फिर किसी जंतु को छोड़ते हुए। वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप लोग से एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आपको अपने जिला अस्पताल जाना है।